It's okay. Excuse me. Should I help you? Yeah, sure. Are you from Singapore? नहीं, India से. Oh, turbulence बहुत ज़्यादा था नहीं? हाँ. बच्चा ज़्यादा तंग तो नहीं कर रहा है ना? लड़का है या लड़की? Actually, मैंने चेक नहीं किया. मैं तो छुट्टियाँ बिताने आई थी. लेकिन अब स्कैन करा लूँगी. इंडिया में स्कैन कराना इलीगल है ना? लेकिन सिंगापुर में ऐसा कुछ नहीं है. वैसे तुम्हें क्या चाहिए? लड़का या लड़की? चाहिए तो लड़की. मैं उसका नाम अंकिता रखूंगी, सोच लिया है. और लड़का हुआ तो? लड़का हुआ तो इट्स ओके, बच्चा तो मेरा ही होगा ना. लेकिन आपकी बातों से तो आप खुश नहीं लगती. ठीक है, उसका नाम मैं आशीष रखूंगी, बस खुश हो. हमारे बच्चों के लिए भी झगड़ना पड़ता है. अकेले ट्रैवल कर रही हूँ. चाहो तो मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ. नो, इट्स ओके, आई विल मैनेज. नाइस मीटिंग यू. नाइस मीटिंग यू. हाय, आप इसी होटल में रुकी हो? हाँ, लेकिन सिर्फ दो दिनों के लिए. स्कैन सेंटर यहाँ से नजदीक है ना? आज शाम की अपॉइंटमेंट है. मतलब आज शाम को पता चलेगा कि आशीष आने वाला है या अंकिता. जानने के लिए मैं भी बेताब हूँ. इफ यू डोंट माइंड, क्या हम डिनर साथ में कर सकते हैं? तो स्कैन का रिजल्ट भी बता सकती हो मुझे. ठीक है, नो प्रॉब्लम. क्यों ना हम 8 बजे शाम को लॉबी में मिले. हाँ, वो ठीक रहेगा. अंकिता होगी तो आपकी ट्रीट, आशीष होगा तो मेरी ट्रीट. डील? यार वो कितनी सुंदर है, दिल की कितनी साफ है. कल रात डिनर के वक्त ना हम. ए, चुप बैठ, अपना काम कर यार. ए, तू अस्मिता का नाम सुनते इतना उखड़ क्यों जाता है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? अभी अभी वो तेरे लाइफ में आई है और तूने उसे अपना ब्रांड मॉडल बना दिया. उसकी शक्ल देखते ही लोग राशन लेने तेरी दुकान पर आएंगे. ए, इतने सालों से तेरे साथ हूँ, मेरा फेस अपनी पोस्टर पर क्यों नहीं लगाता? गलती हो गई भाई, माफ कर दे. हाँ ठीक है, माफ कर दिया तुझे. लेकिन सुन ले, एक बार सोच ले, कोई फायदा नहीं होने वाला. फायदा क्यों नहीं होगा? अबे अस्मिता एक डॉक्टर है, तुमने जो पापा के लिए सैक्रिफाइस किया वो नहीं समझेगी और ना ही तुम्हारे इस दुकान में साथ देगी. तूने कॉरेस्पॉन्डेंस से पीजी और पीएचडी किया है, तू स्मार्ट है, क्वालिफाइड है, तुझे दुकान नहीं चलाने देगी यार. ऊपर से तुम्हारे पापा के तेवर देखकर डर जाएगी. पापा हमेशा से ऐसे नहीं थे. एक आंदोलन के वक्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते हुए माँ की मौत हो गई. पापा के मन में डर बैठ गया. डॉक्टर कहते हैं कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स फोबिया है. उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी उसी तरीके से जी रहा हूँ जैसे वो चाहते हैं. Oh,
सिंगापुर में इंडियन कम्युनिटी के नजदीक गैस के लीकेज की वजह से गैस एजेंसी में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 11 लोगों की मारे जाने की खबर है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। लीकेज की वजह का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। पुलिस इस गैस एजेंसी से पूछताछ कर रही है। सरकार की तरफ से मरने वालों के परिजनों को 10,000, किसी की जान की कीमत सिर्फ $10,000, इतने पैसों में उनकी बॉडी उनके गाँव भी नहीं भेज सकते। मैंने ही उन्हें वहाँ नौकरी दिलवाई थी। शिवा, तूने नेक इरादे से उन्हें नौकरी दिलाई, किसे पता था ऐसा हो जाएगा। 11 लोग मर गए, जवान लड़के, घर पैसे भेजने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। यार, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, हम भी बाल बाल बचे हैं। सब लोग या तो हॉस्पिटल गए या फिर मुर्दा घर, सबके सब भूखे होंगे। चल चलते हैं। बेटा, मैंने घर पर खाना बना कर रखा है, सभी लोगों में बांट देना। ओके अंकल, चल शिवा। एक मिनट, गाड़ी रोक। अबे यहाँ क्यों रोक रहा है? एक मिनट, सुन, कहाँ जा रहा? ये क्या है? सारी डेड बॉडीज मॉर्चोरी लेकर गए ना, तो फिर इसे क्यों पीछे छोड़ दिया? हे भगवान, ये डॉगी तो ऊपर वाले घर का है। एक घंटा पहले बिल्कुल ठीक था, अचानक क्या हो गया इसे? एक घंटे पहले ठीक था मतलब ये गैस एक्सप्लोजन से नहीं मरा? बिल्कुल नहीं भाई, मैं थोड़ा काम में बिजी था और अभी देखता हूँ तो ये मर चुका है। शिवा, हम लेट हो रहे हैं, चलना चलते हैं। रुक, बाबू सुन, उस ट्रांसफॉर्मर का फ्यूज निकाल दे। वो किस लिए? जो बोल रहा हूं वो कर। ये पेंट देख रहा है, गैस लीकेज एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर गैस लीक करवाया है। पेंट का गैस लीकेज से क्या कनेक्शन? उन्होंने पेंट के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिया है। अपने एरिया में तो सारा पेंटिंग जोसेफ के लोग करते हैं ना, उनकी परमिशन के बगैर कोई हाथ नहीं लगा सकता यहाँ। जोसेफ कहाँ मिलेगा? Yes. I want it mixed with some cold drink. Yeah. Joseph. Okay. जोसेफ, बता ऐसा क्यों किया? मुझे पता है ये तूने किया, बोल क्यों किया ऐसा, बोल। प्लीज प्लीज मारो मत, मुझे ड्रग्स की आदत है, तुम मुझे मार डालोगे, तुम तो मुझे जानते हो। अगर कोई पैसे देता है तो मैं उससे कोई सवाल नहीं करता। एक बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया था, मुझे उसका नाम भी नहीं पता है। उसने 10,000 सिंगापुर डॉलर्स देने का वादा किया, उसने जो कहा मैंने वैसा किया। क्या कहा उसने तुझसे? उसने मुझे बिल्डिंग पेंट करने को कहा और मैंने कर दिया, बस इतना ही। बता, सच बता। बताता हूँ, प्लीज मुझे मारो मत। मुझे उस पेंट के साथ न्यूराटिक एसिड मिक्स करने को कहा था, मुझे नहीं पता था उससे गैस लीक हो जाएगी और बिल्डिंग में इतना बड़ा धमाका होगा। सच में। उसने तुझे पैसे कैसे दिए? उसने एक लिस्ट दी थी और एरिया से कुछ चीजें खरीदने को कहा था, मैंने उसे चीजें खरीद कर दे दी। तब उसने कहा पैसे कचरे के डिब्बे में हैं, मैंने पैसे लिए और मैं भाग गया। मुझे वो लिस्ट चाहिए, मुझे वो लिस्ट दे। शिवा। सर। बैठो बैठो। मुझे लगता है उसे कुछ मालूम नहीं है, पर हमेशा की तरह तुमने अच्छी तरह से तहकीकात किया। सर, उसे बिल्डिंग की एग्जैक्ट लोकेशन, गैस लाइन के डायमेंशन सब पता थे, जो ब्लूप्रिंट के बिना मुमकिन नहीं है। ये सोची समझी साजिश है सर, बस इसके पीछे का मकसद समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये टेररिस्ट अटैक तो नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने बहुत ही होशियारी से विस्फोट के सोर्स को छुपाया है, देखने से यही लगता है कि ये एक्सीडेंट होगा।
अक्सर ऐसे हमले भीड़ वाली जगह पर होते हैं और वो जिम्मेदारी भी लेते हैं। सर, उसके पास ये लिस्ट थी, ये देखिए आपने, ये सब वायरलेस हैकिंग टूल्स हैं धमाका कंट्रोल करने के लिए। ये उसने हमारी कम्युनिटी के एरिया के पास ड्रॉप किया था। जरूर कोई खास वजह है कि उसने हमारे इलाके को टारगेट किया। सर, यस, एंजल्स न्यू ट्रैवल प्लान, वी नीड टू अकोमोडेट। ओके, अच्छा शिवा, कोई सुराग मिलते ही तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है सर। शिवा, सर एक मिनट रुको, यू कैन गो। यस सर। वैसे तो ये रूल्स के खिलाफ है कि मैं ये सब किसी बाहरी व्यक्ति से डिस्कस करूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अरुंधति मोहन सिंगापुर आ रही है, तुम्हें पता है हमें उनका ट्रेवल रूट एक महीना पहले बताया गया था, लेकिन हमारे एरिया में काफी इंडियंस मर गए, इसलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया है। यहाँ की सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है, तो सिंगापुर मिनिस्ट्री जाने से पहले वो अपने एरिया में रुकेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस धमाके का उनके दौरे से कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। आपको उन्हें रोकना चाहिए, उनकी जान को खतरा हो सकता है। सर, मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है। मैं इस केस से संबंधित पूरी डिटेल्स अपने सीनियर्स को और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी को भेजने वाला हूँ। अब वही इसका फैसला करेंगे। वो कब आने वाली है? कल सुबह 9 बजे। Moving towards exit. Walking to the car. गुरु मैम, वेलकम टू सिंगापुर। मैम, आप हिंदी चैनल से है ना? यस मैम। तो हिंदी में सवाल पूछिए। आपने एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, आपके हार्ट की सर्जरी भी हो चुकी है और अब आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की विदेश मंत्री बन चुकी है। हमें आप पर बड़ा गर्व है मैडम। यात्रा के बारे में और जानकारी दीजिए। थैंक यू। सिंगापुर और इंडिया के बीच अच्छे कारोबारी संबंध रहे हैं। इंडस्ट्री और कल्चर के अलावा दोनों देश के नेता चाहते हैं कि ये संबंध सामरिक संबंधों के रूप में आगे बढ़े, और इसलिए मैं कुछ एग्रीमेंट साइन करने के लिए यहाँ ही हूँ। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना इन संबंधों से खुश नहीं है। जब कोई कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं तो विरोध होगा। इंडियन कम्युनिटी एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ है उस बारे में क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मरने वालों में ज्यादातर जवान लोग शामिल हैं। मैं उनके परिजनों से मिलकर अपना शोक प्रकट करना चाहती हूँ। भारतीय लोग दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ होती है तो हमारी सरकार उनके साथ होगी। खासकर अगर हमारी कम्युनिटी को कोई भी परेशानी हो तो मदद के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम, जाने दीजिए। नो चेंज इन इंजन प्लान। उन्हें लगता है कि अगर वो लिटिल इंडिया में विजिट नहीं करेंगी तो कोई गलत संदेश जाएगा। सर, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हैकिंग थ्रेट के चलते हमने रूट के सारे सिग्नल्स और मोबाइल टावर्स जाम कर दिए हैं। हम ट्रैकिंग के लिए सैटेलाइट की मदद भी ले रहे हैं। ओके, कॉपी। एंजल सिक्योरिटी, ओवर सिंगापुर पुलिस, काइंडली अपडेट स्टेटस एंड लोकेशन। एंजल इज ऑन द वे। गुरु। यस मैम। फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा है, जरा देखो तो। मैडम, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, हैकिंग की कोशिश हो सकती है। होटल पहुंचने तक किसी भी तरह का गैजेट यूज नहीं कर सकती। इस तरह की सिक्योरिटी सिंगापुर में एक्सपेक्टेड नहीं थी। शिवा, हम यहाँ क्यों आए? चलना काम पे चलते हैं। आज हमारा काम यहीं पर है। क्या यहाँ कुछ होने वाला है? तो हम भी उसमें हिस्सा लेने वाले क्या? तूने आदमी को पकड़ा और उनको जानकारी दे दी, यहाँ इतनी सारी पुलिस और मिलिट्री है, हमारा यहाँ क्या काम? किसी ने हमारे लोगों को हमारी आंखों के सामने मार दिया। तू चाहता है कि मैं कुछ ना करूं? हाँ बोल। शिवा, मैंने सारी लिस्ट चेक की है, इनसे लॉन्ग रेंज सैटेलाइट को हैक करना बहुत मुश्किल है। तो फिर इसमें से आधी चीजें मेडिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती है। ये शॉर्ट रेंज आइटम्स, जरूर हैकर 100 मीटर के दायरे के अंदर ही होगा। 100 मीटर के अंदर? अरे तो कर क्या रहा है? रुक, is walking out. All units alert.
सबको मेरा प्रणाम। यहाँ जो दुर्घटना घटी है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने सिंगापुर की सरकार से अपील की है कि इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए और पीड़ितों को जल्द से जल्द उनका मुआवजा मिल जाए। हम आप लोगों की हर प्रकार से मदद करने के लिए कटिबद्ध हैं। अरे शिवा, मानवता के अधर पर भारत की सरकार हमेशा भारतीयों के साथ खड़ी रहेगी। चाहे इनसे लॉन्ग रेंज सैटेलाइट को हैक करना बहुत मुश्किल है। इसमें से आधी चीजें मेडिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती है। ये है शॉर्ट रेंज आइटम्स। आने वाले दिनों में आपके Angel has been shot. I repeat, Angel has been shot.